So hey guys, what's up? It's your boy Vishu and welcome back to our new vlog. So guys, आ चुके हैं नए ब्लॉग के साथ एंड आज भैया का चेयर और शादी दोनों है तो तैयार हो चुके हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं एंड हम लोग निकल रहे हैं सर। गाड़ी आ चुकी है लेने हमें। मेरे को तो बैठना नहीं है पापा का, विनोद बैठता हूँ, हम तो इधर ही खड़ा। हां बैठो बैठो आप लोग। मां मत सब लोग बोल लिए। हां हम मुंह भी बंद करते हैं। बैठो बैठो आगे जाके कोई से बोतल भी उठा दो। बंद 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 सुन लो यार। पटक गाड़ी काम गई आई नो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। तो हमारे यहाँ प्रथा होती है जिसमें मामा लोग जब दूल्हे के घर पे आते हैं तब यहाँ पे शगुन देना पड़ता है और रास्ता रोक के सारे रिश्तेदार खड़े रहते हैं। जब तक मामा लोग शगुन नहीं देते हैं तब तक घर के अंदर उन्हें एंटर नहीं किया जाता है। तो ये हम लोगों के यहाँ एक प्रथा है। शिकार कहाँ गए गए थे पड़ेन याद गाड़ी भाड़ा तो महंगा रहे। अभी यहाँ पर शादी से पहले भैया का शो हेलो हाला
अभी फ्रेंड्स मामा लोग यहाँ पे भैया को रेडी कर रहे हैं जयंती में ले जाने के लिए। एंड जयंती, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, जैसे इंडिया में बारात लेके जाते हैं दुल्हन के घर पे, वैसे ही हमारे यहाँ बारात को जयंती कहते हैं। तो यहाँ से पूरे दुल्हे के फ्रेंड्स, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स सब जयंती में जाते हैं दुल्हन को लेने के लिए उनके घर पर। बस में दुल्हन को लेने जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रुके हुए थे वॉशरूम जाने के लिए, एंड मैंने ड्रिंक लिया एनर्जी ड्रिंक, तो ये पियेंगे फिर निकलते हैं यहाँ से।
गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, आई डोंट नो क्या होगा जो भी होगा, और दूल्हा आ चुका है, दुल्हन क्या ये जा रहे हैं भैया। सो गाइस हम लोगों ने मतलब खाना वाना खा लिया है एंड अब यहाँ पे रुकेंगे हम लोग कुछ टाइम, फिर बाद में दुल्हन को लेके जाएंगे वहाँ पे टीका वीका होगा। कितना? 70-80 हज़ार वही 70-80 हज़ार का खाना हो गया इधर। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना दे रही है एंड बाराती लोग उतना खा नहीं रहे, आधे से ज़्यादा फिक्र है खाना, तो वही पापा बोल रहे हैं कि 70-80 हज़ार का खाना है ऐसे बर्बाद जा रहे हैं। एंड अभी मैंने मतलब कोट उतार दिया है क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो मिलते हैं देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अब जाने का टाइम हो गया है यहाँ से एंड दुल्हा दुल्हन वाली कार लेकर आ रहे हम लोग, वो चले गई थी तो अभी बुलाया। सो गाइस हम लोग अभी घर आ चुके हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ी लड़ाई वड़ाई हुई थी, इसलिए मैं आगे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। वहाँ पे बच्चों की लड़ाई हुई थी तो हम लोगों ने डन कर दी थी। और यहाँ पर ऐसा है कि नेपाल में छोटे लोग ड्रिंक करने लगते हैं, स्मोक करने लगते हैं एंड उनके कारण उनकी फैमिली वालों की लड़ाई हुई एंड उन लोगों ने बच्चों की गलती नहीं देखी एंड उसके कारण बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था वहाँ पे। तो हम लोग आ गए थे जल्दी जल्दी एंड वहाँ पे भी टीका वीका हो रहा है क्योंकि नई बहू आई है घर पे, ठीक है। तो कल का व्लॉग भी कंटिन्यू करेंगे, सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। होपफुली आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो।